पंचदशः सर्गः। ऋष्य श्रृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ। देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। महात्मा ऋष्य श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वो राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्व वेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वो यज्ञ अवश्य सफल होगा। ये कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवन, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सकें। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाकों दम कर रखा है। वो दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित होकर वो इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगें सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वो समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। वो राक्षस देखने में बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवन, उसके वध के लिए आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय ये बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मनुष्यों को तो वो तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनके अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। ब्रह्मा जी की कही हुई ये प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए, सूर्य की भांति गरुण पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वो ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ
उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके तीन रानियां हैं जो ह्री, श्री और कीर्ति, इन तीन देवियों के समान हैं। विष्णुदेव, आप अपने चार स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। वो मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदन वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्म परायण देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को चार स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। वे कहने लगे, प्रभु, रावण बड़ा उद्दंड है। उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बढ़ा चढ़ा है। वो देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है। तीनों लोकों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वो बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतर वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। षोडश सर्ग है देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना। राजा के पुत्रेष्ट यज्ञ में अग्निकुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से ये मधुर वचन कहा, देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं? उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रु दमन निशाचर ने
दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को ये वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, वो तीनों लोकों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की ये बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। उसी समय वो शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उत्कृष्ट यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभि के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वो शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वो प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दैदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जामबुनद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वो थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। वो अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। उसने राजा दशरथ की ओर देख कर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की इच्छा से ही, उनकी आज्ञा से ही यहां आया हूं। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवान, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः ये बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए तुम्हें आज ये वस्तु प्राप्त हुई है। नृपश्रेष्ठ, ये देवताओं की बनाई हुई खीर है, जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, ये धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। राजन, ये खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम ये यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा ऐसा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रियदर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वो परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वो काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गया। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमय किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगीं जैसे शरद काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ वो खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौसल्या से बोले, देवी, ये अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो।
ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौसल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वो खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वो गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा, मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्रीहरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तदशः सर्गः। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर यूथपतियों की उत्पत्ति। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ बुद्धिमान, विष्णुतुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों को जानने वाले, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो, प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले से ही ऋक्षराज जांबवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्हाई ले रहा था, उसी समय वो सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वो पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और द्विविध को जन्म दिया था। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली परजन्य ने शरभ को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वो तेज चलने में गरुण के समान थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में वो सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वो सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे।
उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वो वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। रीछ, वानर तथा गोलांगुल जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए, वो देवावस्था की अपेक्षा भी बहुत अधिक पराक्रमी थे। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुण, यशस्वी यक्ष, नाग, किम पुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशाल काय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वो सब जंगली फलमूल खाने वाले थे। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वो दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वो सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सब को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वो पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वो महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वो अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वो वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ थे। वो और ही प्रकार के वानर थे, इन प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों वानर यूथपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वो नल, नील, हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वो सभी गरुण के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वो वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबाहु वाली बहुत बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। उन सब के शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वो शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। वो वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से ये सारी पृथ्वी भर गई थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ।